जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का दिनेश सराय डे में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले मध्य प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक के संबंध में, क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती वो प्रारंभ हो चुकी है। आप कुछ आवेदकों को कुछ कमेंट थे, कुछ सवाल थे मेरे पास कि सर हमें कुछ बताइए इन्फॉर्मेशन, तो उनके कुछ सवाल थे कि सर जो रिक्त पद हैं वो कहाँ से हमें चेक करना है कि किस ICT लैब में किस स्कूल में रिक्त पद है या नहीं है या पहले से भर चुका है, और कौन कौन से स्कूल में जो भर्ती डेली निकाली जा रही है। जैसे आप लोग देख रहे हैं डेली किसी न किसी स्कूल में भर्ती निकाली जा रही है, वो कहाँ से मालूम चलेगी वो भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दूसरा, क्या रजिस्ट्रेशन अभी चालू हैं या बंद हैं वो बताएंगे। चालू हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कहाँ से आपको करना है ये भी हम बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा ये, आप लोगों की जो रिक्त पद रहेंगे वो आप कैसे चेक करना, कोई लिस्ट आपको मिल जाएगी कि मध्य प्रदेश में मान लो जो टोटल स्कूल हैं वो आपको यहाँ पर रहने वाले टोटल कोई 2436 स्कूल आपके रहने वाले हैं ICT लैब, उन 2436 में ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती होनी है, ठीक है। किसी में एक की भर्ती होनी, किसी में दो की भर्ती होनी, वो रहेगा पद के ऊपर, ठीक है। तो पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, वीडियो किससे आप ना करें, वीडियो पूरा देखें। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ या नए आएँ तो मेरा आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल सके। अब देखिए हम प्योर और एक और पॉइंट की बात करेंगे, इसमें जो योग्यता शिक्षा होती है वो क्या क्या मांगी जाती है। इसमें भी बहुत से आवेदक हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारे पास ये डिग्री है तो हम करें कि ना करें, हमारे पास कोपा है या PGDCA है, बहुत से कमेंट आते हैं मेरे पास, ठीक है। तो हम पहले हम बात कर लेते हैं ये रिक्त पद आपको कहाँ से चेक करना है, ठीक है। रिक्त पद आप बता दूँ मैं, रिक्त पद जितने भी जो पूरे मध्य प्रदेश में 2436 ICT लैब हैं उनके आपको एक लिस्ट मिल जाएगी PDF, ठीक है। हम बता देंगे हमारे वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको चेक करना है कि किस स्कूल है। अब उनमें से आपको चेक करना है कि हमारे आसपास जो उसमें जिले का नाम लिखा है, जो ब्लॉक का नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है, हमारे पास क्या वो इस एरिए में या हमारे जिले में इतने स्कूल हैं। मान लो आपके स्कूल में 15 जिले स्कूल हैं ICT लैब, तो आपको चेक करना है कि वहाँ पर जगह है कि नहीं, ठीक है। आप जाकर कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो ये तो रहने वाला आपको आपको मिल जाएगा कि हाँ इसमें है कि नहीं। और अब जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग उनसे भी ले सकते हैं, स्कूल वालों से जो भी सर रहेंगे पता ही रहेंगे उनसे आपको मिल जाएगा। दूसरा कि सर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना, तो मैं बता दूँ रजिस्ट्रेशन होता है इसका GFMS पोर्टल, जो कि अतिथि शिक्षक का पोर्टल होता है, उसी पर होता है रजिस्ट्रेशन। यानी आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, और जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाया फिर ठीक है, तो आपको वहाँ से स्कोर कार्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात फिर आपको करवाना पड़ता है, पहले रजिस्ट्रेशन करवा लिया फिर आपको करना पड़ता है संकुल में प्राचार्य केंद्र, जहाँ भी उसको जो वेरिफिकेशन करता होगा, जो भी करते होंगे, तो वहाँ पर पहले आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करवा लोगे तो आपका SSS2 आपका जो सर्टिफिकेट स्कूल कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो जनरेट होगा फिर जिस स्कूल में, जिस किसी भी स्कूल में जो भी पद खाली है जहाँ पर ICT लैब में, तो वहाँ पर आप लोग जाकर जमा कर सकते हैं। कब करना, जब वो लोग नोटिस निकालें कि भाई हमारे यहाँ आवेदन इतनी देर तक जमा हुआ है, तो आप लोग जमा कर सकते हैं। फिर जितने आवेदक प्राप्त होंगे वो मेड बने, उसके साथ आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ। अब क्वेश्चन ये था सर, क्या रजिस्ट्रेशन अभी चालू है वर्तमान में। यदि मैं आज दिनांक की बात करूँ मान लो 27 की, क्या आज चालू है, तो देखिए बता दूँ अभी पोर्टल बिल्कुल चालू नहीं है, आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे चालू हो जाएंगे हम बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि सर क्या अभी चालू नहीं तो हम लोग क्या आवेदन कर पाएंगे, तो अभी जो जगह निकल रही है ICT लैब में, जैसे अभी निकली हुई आप लोगों को देखा होगा, अभी सतना में निकली हुई थी और कोटा सतना में आपका बिरसा बालाघाट में बहुत सी निकल रही, चूँकि इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती किसी कारण से, तो हर स्कूल में निकल रही हैं, ठीक है। तो ये जो, तो इनमें क्या अभी हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो जो न्यू आवेदक हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। जो पुराने आवेदक मतलब जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है या वेरिफिकेशन करवा लिया है, वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि नए आवेदक फ्रेशर आवेदक नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर बात है, क्योंकि बहुत से प्रमाण पत्र छूटा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और कहाँ कहाँ जगह खाली है वो आप लोगों को स्वयं देखना पड़ेगा, स्वयं जाना पड़ेगा, उसकी लिस्ट हम दे देंगे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप देख रहे हैं आपके पास का कितने स्कूल हैं, क्या वो स्कूल है, क्या वहाँ पर कोई है कि नहीं है, तो वो कब तक निकाल रहे हैं, आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन फुल मिल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात आ जाती है सर योग्यता क्वालिफिकेशन, कि क्या योग्यता मांगे, ये क्या PGDCA वाले आवेदन कर सकते हैं, क्या कोपा वाले कर सकते हैं, और भी बहुत से कमेंट आ रहे हैं। तो देखो उसमें साफ क्लियर बताया हुआ क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो आपका इसको कार्ड बनता है SSS2 का, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। अब इसमें योग्यता क्या चाहिए बढ़ती है, योग्यता बता दो आप लोगों के लिए। पहला मांगता है आपका बी, आपने बी किया, बी डिग्री आप सब लोग जानते हैं कि वो 4 साल की होती है, ठीक है। अब वो 4 साल की होती है बी आपका, तो उसको क्या क्या चाहिए आप देखो, उसको सब लोग जानते हैं बैचलर ऑफ इंजीनियर होता है आपका,
अब उसमें भी क्या क्या बी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके पास उनमें से, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। पहला आपको उन्होंने मांगा आपका उसमें ईसीजी, ठीक है, क्या मांगा है ईसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यदि वो आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरा आईटी, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो आपने किया हुआ है बी से तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तीसरा है आपका सी, आपने ये किया हो सी सिविल इंजीनियर से तो भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो आपने बी इन तीनों से किया हो किसी एक में से तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है आपने किया हो बीएससी, ठीक है, यदि आपने बीएससी किया आप अंडर ग्रेजुएट तो आप लोग बिल्कुल इसमें आवेदन कर पाएंगे, बैचलर ऑफ साइंस में, और बहुत से लोग करते हैं बीएससी तो बिल्कुल आप आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपने किया बीसीए, ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यदि आपने ये किया तो अभी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपका बीएससी हो गया, बीसी हो गया या वीई हो गया, इन तीन सब्जेक्ट में आपके पास योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, तो आप कर पाएंगे, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। अब बोलते सर कि पीजीडीसी लग जाएगा, नहीं लगेगा, कोपा लग जाएगा, आईटीएस नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये उसमें आता है, ठीक है, बता दिए मैंने आपको, कहीं आप लोग दोस्त में परेशान ना हो, क्योंकि बहुत से आवेदक परेशान हो जाते हैं कि हमसे क्या करना है। अब आपको पता होगा कि सबसे पहले जो इस संबंध में एक नोटिस आया था वो 4/5/2023 को यहाँ पर नोटिस जारी हुआ था कि मध्य प्रदेश में जो आईसीटी लैब है 2436 उनमें व्यवस्था की जानी है। फिर एक लेटर जारी हुआ 17/5 को लेटर जारी हुआ जिनमें बता दिया कि भाई ये फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन वो फॉर्म कहाँ का फर्क, जहाँ जहाँ व्यवस्था हो चुकी थी आईसीटी लैब की पूरे कंप्लीट हो चुका था उस जगह पर वो फॉर्म भराने थे, लेकिन अब जैसे आईसीटी लैब का काम चालू है तो जहाँ पर कंप्लीट होते जा रहे हैं वहाँ पर वो पद निकालते जा रहे हैं स्कूलों के, ठीक है। तो आप लोगों को अब यही चेक करना है किस स्कूल में जगह है, आप कहाँ से करोगे तो लिस्ट में देख लेना आपके आसपास स्कूल है, आप उनको जानकारी ले सकते जाके कि सर हमारा क्या आपके यहाँ पर खाली है कि आईसीटी लैब की व्यवस्था हुई क्या, तो वो आप फिर आप ज्वाइन कर लें वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो ये बहुत सारे सवाल थे बच्चों के, कुछ आवेदक के कमेंट थे सर हम कैसे करें, तो रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है जीएफएम पोर्टल पर, और यदि आपको और इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए और इसके नोटिस चाहिए, तो आप विमर्श पोर्टल करेंगे आप गूगल पर तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहीं से आप लोग डाउनलोड कर लें पीडीएफ, वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बाकी जो जो वैकेंसी और आती हैं जहाँ जहाँ स्कूल निकलती हैं अभी, ठीक है ना, निकलती सभी निकल रही, तो हम वो बता देंगे, क्योंकि अभी आईसीटी तैयार होती जा रही और जगह निकलती जा रही और जो स्कूल वाले हैं वो नोटिस जारी करते जा रहे हैं विज्ञापन के, ठीक है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम तो आज के बहुत सारे कमेंट थे बच्चों के, और ताकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा मैंने समझाया कि किस तरह आपको देखना है क्या क्या कहाँ कहाँ जगह खाली निकल रही हैं वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप लोग समझ सकें, और आपके जो भी कमेंट हैं जो भी डाउट हैं तो आप लोग जरूर करिए कमेंट मुझे, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं आवेदन कर सकें। तो मेरा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के जितने युवा हैं कहीं ना कहीं जॉब करें या रोजगार कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल के साथ, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो चैनल पर नहीं सकता, ताकि मध्य प्रदेश की पल पल की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं, ओके दोस्तों।